हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है। ये 12वां पार्ट है ये वीडियो का, मेरे का सीरीज चला रहा हूं पूरी एमसीक्यू की। तो पहला एमसीक्यू हम शुरू करने वाले 12वें पार्ट का, द मेन क्राइटेरिया फॉर सिलेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोड डायमीटर इन आर्क वेल्डिंग। तो कहता है कि आर्क वेल्डिंग है उसमें हमारे पास इलेक्ट्रोड होता है, तो वो उसको सिलेक्ट कैसे करना है कि कौन सी वेल्डिंग इलेक्ट्रोड हमें चाहिए, उसका डायमीटर कैसे सिलेक्ट करेंगे, कितनी डायमीटर वाली चाहिए, है ना। इलेक्ट्रोड अलग अलग डायमीटर की होती है, तो उसका डायमीटर कैसे सिलेक्ट होगा। तो उसके लिए ऑप्शन है मटेरियल टू बी वेल्डेड, टाइप ऑफ वेल्डिंग प्रोसेस, थिकनेस ऑफ मटीरियल या वोल्टेज यूज। तो सोचिए इसको, तो इसका राइट आंसर है सी, थिकनेस ऑफ मटीरियल। तो हमारे पास जैसे वेल्डिंग प्लेट है, कोई वेल्डिंग करनी है जिसके ऊपर, ठीक है, प्लेट है ये, तो इसकी थिकनेस पे डिपेंड करेगा, इसकी थिकनेस पे डिपेंड करेगा कि मेरे पास ये वेल्डिंग रॉड जो है उसका डायमीटर कितना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। व्हेन वेल्डिंग इज गोइंग ऑन, सेकंड है, व्हेन वेल्डिंग इज गोइंग ऑन आर्क वोल्टेज इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ। तो आर्क वेल्डिंग में कहता है कि वोल्टेज कितनी रखनी चाहिए, ठीक है, वो नॉर्मली कितनी रहती है। तो हमारे पास ऑप्शन है, ए है 18 से 40, 40 से 90, 100 से 125 या 130 से 170। तो इसका राइट आंसर है 40 टू 95। इसके बीच में हमारे पास वोल्टेज रहती है। देखिए वोल्टेज बहुत कम रखते हैं, इस हिसाब से हम वोल्टेज हमारी डाउन जाती है, करंट हमारा अप जाता है आर्क वेल्डिंग में। कारण क्या है? अच्छा, करंट जो है ज्यादा हाई रखेंगे, उसके कारण ये है कि हीट जो प्रोड्यूस होती है ना, करंट के कारण हीट प्रोड्यूस होती है, ठीक है, उसका फॉर्मूला होता है आई स्क्वायर आर टी। अब आई स्क्वायर आर टी, टी मतलब टाइम, आर मतलब रेजिस्टेंस और आई मतलब करंट। तो आई जो करंट है वो जितना ज्यादा रखेंगे उसका स्क्वायर होता जाएगा और उसी उतनी ज्यादा वो हीट प्रोड्यूस करेगा, और जितनी हीट प्रोड्यूस होगी हमें उतना ज्यादा फायदा मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो देखिए वो एक चीज रहेगी, इनसे ओम्स लॉ भी इसी में समझ आ जाता फिर, क्योंकि आई बढ़ा देते हैं हम, इसके कारण वोल्टेज डाउन जाती है, ठीक है, या उल्टा बोल सकते हैं कि वोल्टेज डाउन कर देते हैं तो आई बढ़ जाता है, क्योंकि हम ट्रांसफार्मर हमारे पास होता है, ट्रांसफार्मर इतना बड़ा मेन है क्या, इसमें मेन चीज वोल्ट, ये ट्रांसफार्मर ही तो है, यहां पर ट्रांसफार्मर है, ठीक है, वोल्टेज डाउन करने के लिए है, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर हम यूज करते हैं, तो इसमें वोल्टेज डाउन कर देते हैं, वोल्टेज जब डाउन होती है तो करंट अपने आप अप हो जाता है, ठीक है। तो हमारे पास इस तरह से हम करंट ज्यादा यूज करते हैं और वोल्टेज कम यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों बढ़ते हैं, पॉइजन रेशियो इज द रेशियो ऑफ। तो पॉइजन रेशियो क्या है, वो है क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, लॉन्गिट्यूनल स्ट्रेन टू लेटरल स्ट्रेन, लेटरल स्ट्रेन टू लॉन्गिट्यूनल, बोथ ए एंड बी और नन ऑफ दीज। तो आपको अगर याद है इसके बारे में, मैंने इसके बारे में पढ़ा रखा है, ऊपर लिंक भी दे रखा हूं, ठीक है, और उसको देख सकते हैं आप। देखिए आप किसी मटेरियल को इस तरफ खींचते हैं, आप इस तरफ खींचते हैं तो आपको भी पता है कि इस तरफ खींचा जाएगा, ठीक है, इसकी लेंथ बढ़ जाएगी, ये लेंथ बढ़ जाएगी, लेकिन हमारे पास याद रखो कि जब लेंथ बढ़ती है तो विड्थ कम हो जाती है, लेंथ बढ़ जाती है तो विड्थ कम हो जाती है, कि हमने जो काम किया हमने अपनी तरफ से तो लेंथ बढ़ाई लेकिन विड्थ अपने आप कम होगी। तो जो अपने आप ये हम बढ़ा रहे हैं वो है लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, और जो अपने आप कम हो रही है उसे कहते हैं लेटरल स्ट्रेन, और इन दोनों में बात फिक्स हो रखी है, दोनों में, लेटरल में लॉन्गिट्यूडनल में बात फिक्स हो रखी है कि भाई तू इतना बढ़ेगा तो मैं इतना कम हो जाऊंगा, ठीक है, स्ट्रेन में बात हो रखी है, ये भगवान ने बनाए रूल है, हमारे हाथ में कुछ नहीं है, ठीक है, हम चेंज कर सकते हैं, लेकिन जो फिक्स उन्होंने, जो हमें धरती से चीजें मिलती है उसके लिए फिक्स होता है ये सारी चीजें। तो लॉन्गिट्यूडनल अगर मान ले कि किसी का 3 बढ़ गया, ठीक है, मैं अभी रफ बोल रहा हूँ कुछ भी, ठीक है, मैं तो लेंथ में बोल रहा हूँ लेकिन मैं स्ट्रेन की बातें करेंगे, यहाँ पे 3 बढ़ गया तो ये 1 कम हो गया, ठीक है। तो इसकी रेशियो, पॉइजन रेशियो म्यू जो होती है वो होती है लेटरल अपॉन लॉन्गिट्यूडनल, लेटरल स्ट्रेन अपॉन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। तो लेटरल हमारे पास मान ले 1 आई और ये 3 आई, तो 0.33 इसका म्यू बन गया। अरे भाई म्यू की वैल्यू फिक्स होगी इसके लिए, ये जो मटेरियल की बात कर दी मैंने, फायदा मिल गया, आगे से कभी टेंशन नहीं है, म्यू की वैल्यू फिक्स है, बहुत ज्यादा फायदा मिलता है, ठीक है। तो म्यू कोई भी मटेरियल के बारे में जब फिक्स वैल्यू को मिल जाए ना कि इसकी, ये तो चेंज नहीं होगा,
और ये चीज मिल जाए इससे अच्छे कोई चीज और नहीं हो सकती, क्योंकि उसके उसके बारे में डेफिनेशन देना, उसके बारे में बोलना आसान हो जाता है कि आगे से मैं कभी बोलूंगा उसको तो बोलूंगा यार मुझे म्यू पॉइंट टू फाइव वाली चीज दे दे यार, म्यू पॉइंट टू फाइव वाली चीज दे दो। म्यू पॉइंट टू फाइव वाला मतलब क्या होगा कि अगर वो इधर से खींचेगा इसको, ये इधर से अगर चार बढ़ेगा ठीक है, तो इधर से एक कम हो जाएगा, तो 1/4 तो 0.25 हो गया ना। तो उसे पता होगा कि इसमें आपस में ये कनेक्शन होगा। तो इस तरह से हमारे पास ऑप्शन क्या बनता है, लेटरल स्ट्रेन टू लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। ज्यादा तो नहीं हो रहा मेरे भाई, मतलब बता देना आप कमेंट में जरूर बताओ मुझे, और एमसीक्यू में मुझे आपकी सपोर्ट चाहिए ज्यादा से ज्यादा, और इसे शेयर करो ज्यादा से ज्यादा वीडियो को। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। द एंड्योरेंस लिमिट ऑफ अ मटेरियल विद फिनिश्ड सरफेस इन कंपैरिजन टू रफ सरफेस। तो कहता है कि दो पीसेज है मेरे पास है ना, ये मान लेते हैं कि एक सेम पीस है ये है, और इसका जो सरफेस है वो पूरा फिनिश कर रखा है, यहाँ पे फिनिशिंग दे रखी है पूरी, अच्छा फिनिशिंग कर रखा है इसका ठीक है। और दूसरी तरफ जो है हमारे पास उस वो सेम वही मटेरियल है, वही पीस है, लेकिन इसका जो सरफेस है वो बहुत रफ है ठीक है। तो कहता है कि एंड्योरेंस लिमिट किसकी ज्यादा होगी, तो आप याद रखिए फिनिश जो प्रोडक्ट होगा उसकी एंड्योरेंस लिमिट ज्यादा होगी और रफ सरफेस की कम होगी। तो हमारे पास ऑप्शन क्या बनेगा, मोर, ये हमारा ए ऑप्शन रहेगा इसमें। फॉर स्टील द अल्टीमेट स्ट्रेंथ, ये फिफ्थ क्वेश्चन है, द फॉर स्टील द अल्टीमेट स्ट्रेंथ इन शियर एज कंपेयर टू अल्टीमेट स्ट्रेंथ इन टेंशन इज। तो स्टील क्या कहता है कि शियर स्ट्रेस में मेरे पास कोई भी मटेरियल है, कोई मान लेते रॉड है, चलो ये मान लेते कि एक रॉड है हमारे पास, और ये कहता है कि ये शियर में अगर हम इसको चेक करें और दूसरी तरफ टेंसाइल में चेक करें, उसी सेम रॉड को मैं किसमें चेक करूं, टेंसाइल में, टेंशन में चेक करूं, टेंशन में, तो इसमें आपस में कितना स्ट्रेंथ का डिफरेंस होगा ठीक है। अगर आप याद रखो हमेशा के लिए कि ये कम ही होगा शीयर वाला, टेंशन से शीयर कम ही होगा हमेशा ठीक है। तो हमारे पास इसका 2/3 होता है, टेंशन का 2/3 पार्ट जो होता है ठीक है। अगर मेरे पास मान लो इसकी 100 आ गई, या आपको एग्जैक्ट वैल्यू थोड़ा सा याद दिलाने के लिए कर दूं कि 99 आ गई, मान लो टेंशन में 99 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर टेंशन में आया हमारे पास इसकी स्ट्रेंथ आ गई टेंशन में, तो इसका 2/3 हो जाएगा, 2/3 99 का करके देखें, 2/3 तो 3 3 9 3 3 9 तो 66 आ गया, तो इसका ये होगा 66 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर। और ये रफ होता है, एग्जैक्ट नहीं होता रफ, तो कई बार हमारे पास वैल्यू नहीं होती क्योंकि शीयर वाला हमारे पास है ना कोई मशीन जो शीयर की शीयर वाला स्ट्रेस चेक करे, हम टेंशन में चेक कर लेते हैं उसका 2/3 ले लेते हैं कि इतना शीयर में होगा ठीक है। तो हमारे पास इस तरह से 2/3 इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, सिक्स्थ क्वेश्चन, द वॉल्यूमेट्रिक चेंज ऑफ द फ्लूड बाय अ रेजिस्टेंस इज नोन एज। तो कहते हैं कि वॉल्यूमेट्रिक चेंज हो रहा है फ्लूड का, मान लो एयर है मेरे पास है ना, एक डब्बे में मैंने एयर डाल दी और इसको मैंने कंप्रेस कर दिया ऐसे दबा के, यहां से पिस्टन आ गया मान लो, और पिस्टन ने एयर को कंप्रेस कर दिया, तो इसके कारण जो होता है ये क्या है, कहता है वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन है, वॉल्यूमेट्रिक इंडेक्स है, कंप्रेसिबिलिटी है या एडहेशन है। तो ये एक्चुअली ये एयर क्या हो रही है, कंप्रेसिव हो रही है ना, तो ये इसका नाम बनता है कंप्रेसिबिलिटी, तो उसकी कंप्रेसिबिलिटी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों पढ़ते हैं, सेवंथ क्वेश्चन है, द एग्जाम्पल ऑफ रोलिंग पेयर इज। तो रोलिंग पेयर का एग्जाम्पल कौन सा है, इसमें बोल्ट एंड नट है, लैंड स्क्रू ऑफ लेथ है, बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट है, बॉल बेयरिंग एंड रोलर बेयरिंग है। तो इसमें राइट आंसर जो बनता है, आप एक मिनट सोचिए, और राइट आंसर है हमारा बॉल बेयरिंग एंड रोलर बेयरिंग। रोलर देखिए वैसे भी दिमाग में आ रहा होगा, रोल रोल करना है ना, रोल कर रहा है, तो ये जैसे रोलर बेयरिंग है तो रोल करते हैं, इसके अंदर बॉल भी रोल करती है, तो हमारे पास रोलिंग पेयर बन जाता है, तो इसका डी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग डू नॉट हैव आइडेंटिकल डायमेंशंस। यार डायमेंशन प्लीज मेरे भाई, प्लीज रिक्वेस्ट करता हूं, अगर आपने जॉब लगना है, गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हो और या किसी और एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो मैकेनिकल इंजीनियरिंग में, तो मेरे भाई गलती हमारी यही है कि हम बेसिक छोड़े हुए हैं।
बेसिक लेवल जो पहला चैप्टर है वो छोड़ देते हैं और आगे चले जाते हैं, उसके कारण हम मार खाते हैं। ठीक है, मैं इतना नहीं कहूंगा कि मुझे बहुत आता है, ठीक है, कभी भी हम ये नहीं कह सकते, टीचर भी ऐसी हमारी लिमिटेड नॉलेज होती है, लेकिन हम ये जानते हैं कि मुझे आता क्यों है, समझ क्यों आ रहा है, क्योंकि मुझे भाई बेसिक क्लियर, बेसिक हमारी दिक्कत है। देखो ये क्वेश्चन अगर आप कर सकते हो मतलब आपके बेसिक क्लियर है, अगर ये क्वेश्चन नहीं कर सकते इट मींस आप पहली पौड़ी ही नहीं चढ़े हो सीढ़ी की, ठीक है, ये पहला पार्ट जो है सीढ़ी का वो ही नहीं चढ़े आप, उसको सिर्फ स्किप करके ऊपर चढ़ने की कोशिश कर रहे हो, तभी तो आपको मुश्किल आ रही है। ठीक है, अभी मैं आपको एक बार सॉल्व करवा रहा हूं, ठीक है, लेकिन आपने इसको करना जरूर है। ठीक है, देखो पहला है मोमेंटम एंड इंपल्स। अब मोमेंटम क्या होता है, मोमेंट होता है मास इंटू वेलोसिटी, तो इसका क्या बनेगा, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। इंपल्स, इंपल्स ये मोमेंटम का आ गया ना, मोमेंटम पी, तो इसके आ गया किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। इंपल्स, इंपल्स क्या होता है, मेरे पास फोर्स इंटू टाइम। अब फोर्स क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन इंटू टाइम, और एक्सेलरेशन क्या होता है, डेल्टा वी अपॉन टी, तो वी अपॉन टी, तो टी से टी कैंसिल हो जाएगा। एक बार देखिए एम इंटू वी बन गया दोबारा, फिर ये ऐसा ही बन गया ना, इंपल्स भी सेम बन गया उसकी तरह का ही, इंपल्स भी उसी तरह का बन गया, तो मेरे पास कैसा बन गया, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, तो एक पार्ट हो गया, ये तो आइडेंटिकल है। ठीक है, दूसरा आ जाते हैं, दूसरे में मेरे पास है मोमेंट, मोमेंट ऑफ फोर्स एंड एंगुलर मोमेंटम, तो मेरे पास इसमें देखिए मोमेंट ऑफ फोर्स, मोमेंट क्या होता है, मोमेंट, मोमेंट होता है फोर्स इंटू, ठीक है, ये मोमेंटम था, ये मोमेंट है। अगर आपको इनमें डिफरेंस नहीं पता तो आप शायद अभी इंजीनियरिंग की शुरुआत भी नहीं की है आपने। फोर्स इंटू डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है, मैं एग्जैक्ट नहीं लिख रहा यहां पे, तो फोर्स क्या है, मास इंटू एक्सेलरेशन इंटू डिस्टेंस, तो मास है किलोग्राम, ये मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और डिस्टेंस है मीटर, तो ये बन गया किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकेंड स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। अब एंगुलर मोमेंटम, अब एंगुलर मोमेंटम क्या होता है हमारे पास, देखिए मोमेंटम हमारे पास जैसा है ना वैसे ही एंगुलर मोमेंटम होता है, यहां पर मोमेंटम था ना, तो एंगुलर मोमेंटम क्या होगा, m की जगह i आ जाएगा, देखिए मोमेंटम क्या था, m इंटू वी, एम की जगह i आ जाएगा, v की जगह ओमेगा आ जाएगा, यहां पे ही आ जाएगा, ये एंगुलर मोमेंटम, मोमेंटम तो i, i का हमारे पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो, ठीक है, वो दो अलग अलग वैसे ही इसके होते हैं, तो हमारे पास किलोग्राम मीटर स्क्वायर, देखिए आई क्या होता है, आई होता है एम आर स्क्वायर, ये होता है, तो हम ये रख सकते हैं, और ओमेगा क्या चीज है, ओमेगा है एंगुलर वेलोसिटी, तो एंगुलर वेलोसिटी किससे लिख सकते हैं, मेरे पास रेडियन पर सेकंड, रेडियन पर सेकंड, पर सेकंड, ये बनता है, तो ये देखिए सेम ही है, सेम नहीं है ये, ठीक है, तो हमारे पास अभी आंसर मैं आगे भी लेके जाऊंगा आपको, ताकि आपको और पता लगे। आगे टॉर्क एंड वर्क वाला है ना, टॉर्क एंड वर्क, तो मैं टॉर्क का निकालता हूं, टॉर्क क्या, फोर्स इनटू रेडियस, तो फोर्स वही आ गया न्यूटन, ये मीटर आ गया, ठीक है, फोर्स को भी पूरा लिख सकते हैं, फोर्स क्या, मास इंटू एक्सेलरेशन इंटू रेडियस, ठीक है, तो मेरे पास मास क्या है, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और रेडियन क्या है, और ये सॉरी रेडियस क्या है, मीटर, ठीक है, और साथ में क्या था, वर्क, वर्क, फोर्स, वर्क क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्टेंस, फोर्स क्या है, वही सेम आ गया, देखो फोर्स इनटू रेडियस था या डिस्टेंस है, डिस्टेंस सेम आ गया, तो ये किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकंड स्क्वायर, ये भी बन जाएगा। और लास्ट हमारे पास रह गया था क्या, काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। अब देखो ये भी बड़ा जबरदस्त है, मजा आता है इसको करने में। काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर, हाफ का कोई यूनिट नहीं, हाफ तो वैसे ही है, मास क्या है किलोग्राम, और वेलोसिटी क्या है मीटर पर सेकंड, उसका स्क्वायर हो जाएगा। अब पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी देखिए एम जी एच, एम क्या है किलोग्राम, जी है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और एच क्या है मीटर, तो
तो हमारा क्या बन गया, किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकंड स्क्वायर। तो एक बार देखो तो मेरे भाई, एक बार देखो तो सही क्या हो क्या रहा है यहाँ पे। ये क्या बन गया, ये मीटर और ये बन के क्या बन जाना था, किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकंड स्क्वायर बन जाना था ना ये वाला। सबके यूनिट एक जैसे है मेरे भाई, सबके यूनिट देखो, और जिसके यूनिट सेम हो ना उसका मतलब भी ऑलमोस्ट सेम होता है, ये उसके बराबर ही है। ये देखो ये देखो ये देखो, मतलब क्या है, एनर्जी एनर्जी सेम है, काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी एक जैसी है, मतलब एक दूसरे में कन्वर्ट हो सकती है, और वर्क भी ऐसा ही है, टॉर्क भी वैसा ही है, वैसी ही है चीजें, ठीक है। और हमारा इसमें आंसर जो राइट आंसर बन रहा है वो क्या बन रहा है, बी, कि ऐसा नहीं है जो, ठीक है। तो अगर आपको ये क्वेश्चन नहीं आता था, अगर आपको मेरे से इस क्वेश्चन में कुछ सीखने को मिला है तो कमेंट चाहिए मुझे, वो लाइक चाहिए। बड़े खराब हो यार, लाइक नहीं करते हो मेरी इस वीडियो को, ठीक है। अगर आपको कुछ फायदा मिल रहा है तो लाइक जरूर किया करिए ये वीडियो को। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नाइन्थ क्वेश्चन है, अ नंबर ऑफ फोर्सेस एक्टिंग एट अ पॉइंट विल बी इन इक्विलिब्रियम इफ। कहता कोई फोर्स ही लग रही है, अलग अलग फोर्स किसी पॉइंट पे लग रही है, कोई इस तरफ से लग रहा है ना, इस कोई चीज है उसको आप इधर खींच रहे हो, इधर खींच रहे हो, इधर खींच रहे हो, तो कहता है कि इक्विलिब्रियम में कब आएगा। तो इक्विलिब्रियम में आने के लिए देखिए, देयर टोटल सम इज जीरो, टू रिजॉल्व पार्ट्स इन टू डायरेक्शन एट राइट एंगल आर इक्वल, सम ऑफ रिजॉल्व पार्ट इन एनी टू परपेंडिकुलर डायरेक्शन आर बोथ जीरो, ऑल ऑफ देम आर इंक्लाइंड इक्वली। नहीं तो एक्चुअली क्या है कि कभी भी ऐसा आ जाए तो हमें क्या करना पड़ता है, इसके कंपोनेंट बनाने पड़ेंगे और इसके भी कंपोनेंट बनाने पड़ेंगे, तो सब फोर्सेस के कंपोनेंट बनाने पड़ते हैं, और कंपोनेंट बनाने के बाद जब उसके सम करते हैं रिजॉल्व पार्ट का, ठीक है। अगर आपने पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन पढ़ा है तो ठीक है, नहीं तो मेरा ऊपर लिंक दे रहा हूं वो देख लीजिए। तो आप सारे ऊपर जाने वाले, मतलब जो वर्टिकल ऊपर नीचे जाने वाले फोर्स को इक्वल कर रखते हो, मतलब उनको अगर ये पॉजिटिव नू ये माइनस नू, तो इनका जो सम करेंगे वो जीरो आ जाना चाहिए। इधर जाने वाले फोर्सेस को अभी सम जो है वो जीरो आ जाना चाहिए। अगर ऐसा आता है तो इक्विलिब्रियम में होते हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। सुपर हीटेड वेपर बिहेव्स, तो सुपर हीटेड वेपर कैसे बिहेव करते हैं, देखिए सुपर हीट जैसे हो जाती है, तो जब सुपर हीट हो जाती कोई चीज, यहां पे ये ग्राफ बनता है मेरे भाई, ठीक है, और यहां पे ये पॉइंट जो होता है वो सुपर हीट का होता है, तो वो कैसा बिहेव करता है, वो एग्जैक्टली एज गैस, एज स्टीम, एज ऑर्डिनरी वेपर, और अप्रोक्सीमेटली एज गैस। तो इसका राइट आंसर होगा डी, अप्रोक्सीमेटली एज गैस। तो गैस की तरह बिहेव करता है, अप्रोक्सीमेट, पूरा पूरा नहीं। द रेशियो ऑफ टू स्पेसिफिक हीट ऑफ एयर इज इक्वल टू, तो स्पेसिफिक हीट दो तरह की होती है, स्पेसिफिक हीट एट कॉन्स्टेंट प्रेशर, स्पेसिफिक हीट एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम। अगर इनका रेशियो ले तो आप याद रखिए, ये वाला क्वेश्चन बहुत बार आता है पेपर में, तो इसकी वैल्यू जो होगी 1.41 होगी, सीपी बाय सीवी इज इक्वल टू 1.41, एक से ज्यादा होती है हमेशा, तो इसका एग्जैक्ट वैल्यू जो है 1.41 होगा, तो डी इज द राइट आंसर। हमारे पास क्रिटिकल प्रेशर ऑफ लिक्विड इज द प्रेशर, तो क्रिटिकल प्रेशर क्या होता है, देखिए मेरे पास, मैं आपको लिंक दे रहा हूं और उस वीडियो को जरूर देख लीजिए मेरे भाई, ठीक है, आपको काफी चीजें समझ आ जाएंगी। और इसमें ग्राफ बनता है हमारे पास कुछ इस तरह से कि हम प्रेशर बढ़ा रहे हैं तो लेटेंट हीट कम होती जाती है, और लेटेंट हीट इस तरह से कम होती जाती है, और उस तरह ग्राफ बनता है हमारे पास, ये पॉइंट आया था क्रिटिकल पॉइंट, तो और उसके लिए जो प्रेशर होता है वो क्रिटिकल प्रेशर कहलाता है। और यहाँ पे आके जो लिक्विड है और वेपर है, वो इसकी जो लेटेंट हीट है जीरो होती, लिक्विड वेपर में कन्वर्ट इजिली हो जाता है, सीधा ही लिक्विड वेपर में कन्वर्ट हो जाता है क्रिटिकल पॉइंट पे, क्रिटिकल प्रेशर पे। तो हमारे पास इसमें क्या है, अबव विच, इसका अबव विच लिक्विड बिकम्स गैस, अबव विच लिक्विड बिकम्स वेपर, अबव विच लिक्विड बिकम्स सॉलिड, तो इसमें राइट आंसर होगा मेरे पास, और ये उल्टा पुलटा कर रखा है, प्लीज इसको सही कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमारा आंसर जो होगा वो सेकेंड होगा, ये है हमारा सेकंड आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। मेटालिक स्ट्रक्चर ऑफ माइल्ड स्टील इज, तो माइल्ड स्टील की मेटालिक स्ट्रक्चर क्या होती है, बीसीसी, एफसीसी,
एचसीपी या क्यूबिक स्ट्रक्चर। तो मेटालिक स्ट्रक्चर क्या होती है माइल्ड स्टील की? बीसीसी, आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों बढ़ते हैं, द टोटल हीट इज द हीट रिक्वायर्ड टू, तो टोटल हीट क्या होती है, ठीक है। और फिर से आपको कहूंगा कि थर्मोडायनेमिक्स वाली मेरी वीडियो सारी देख लीजिए, आपकी काफी डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। और इसमें जो आंसर होगा, देखिए आप ऐसा कीजिए, आप ये वाला आंसर मुझे कमेंट में बताइए कि इसका आंसर क्या है। बहुत मैंने मेहनत कर ली, अब आप भी मेहनत करो यार, देखिए आपकी कहां तक मेहनत पहुंच रही है, ठीक है। चेक करते हैं, आपको कमेंट में मुझे बताइए जल्दी से इसका आंसर क्या होगा। 15वां क्वेश्चन देखते हैं, ब्रेक इवन एनालिसिस शोज प्रॉफिट व्हेन, तो ब्रेक इवन एनालिसिस करते हैं तो प्रॉफिट कब शो होगा। आप सिंपल सी बात याद रखिए, देखिए ब्रेक इवन पॉइंट कौन सा होता है, ब्रेक इवन पॉइंट, जैसे ब्रेक इवन पॉइंट इसमें क्या होता है कि जितना मेरा खर्चा हो रहा है, ठीक है, मैं ब्रेक इवन पॉइंट वो पॉइंट होता है जहां पे हमें प्रॉफिट नहीं होता। मैंने कुछ खर्च किया, ठीक है, और मान लो कोई चीज, मैं ये कोई चीज प्रोडक्ट बना रहा हूं, ये बनी 50 रुपीज की, ठीक है, और उसको मैं 50 में ही बेच रहा हूं, तो ये मेरा ब्रेक इवन पॉइंट है। ना तो मैं कोई लॉस कर रहा हूं और ना कोई मैं गेन कर रहा हूं, ना मैं कोई कमा रहा हूं ना खो रहा हूं, लेकिन मुझे अगर चाहिए कि मैं कमाना चाहता हूं तो मेरा रेवेन्यू वाला ज्यादा होना चाहिए, ठीक है, सेल्स वाला, सेल्स रेवेन्यू ज्यादा होना चाहिए, सेल ज्यादा होनी चाहिए, ज्यादा रुपए में होनी चाहिए, टोटल कॉस्ट से ज्यादा, ये टोटल कॉस्ट है। सिंपल सी बात है यार, इसमें क्या है, आपकी 50 रुपए की चीज बनी, अगर आप 50 में बेच दोगे थोड़ा ना प्रॉफिट मिलेगा, 50 की बनी है तो 60-70 की तो बेचोगे, ठीक है, और बाकी तो बेचने वाले 100 में भी बेच जाते हैं, ठीक है। तो सेल्स वाला ज्यादा होना चाहिए टोटल कॉस्ट से। तो हमारे पास कौन सा आंसर बन रहा है इसमें, पहला ही आंसर बन रहा है, सेल्स रेवेन्यू शुड बी ग्रेटर देन टोटल कॉस्ट। तो ये थे आज के हमारे 15 क्वेश्चन, आपको कैसे लगे और मुझे एक कमेंट में जरूर बताइए, और जो मैं आंसर आपसे मांगा है मैंने, ठीक है, 14th क्वेश्चन का, उसका कमेंट में जरूर आंसर दीजिए। थैंक यू सो मच, नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलेंगे।